अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SR के। आज बात करने वाली हूँ हिना खान के बारे में। हिना खान ने अपने पोस्ट में बहुत ही प्यारी सी बात की अपने पापा के हवाले से। सबको तो ये मालूम ही है हिना खान के फादर पिछले ही रमज़ान में उन्हें रोजे की हालत में हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस तरह से फादर की अचानक से मौत की खबर सुन के हिना खान बहुत हुई परेशान। हिना खान का यही कहना है, जब भी मुझे अपने फादर की याद आती है तो मैं उनकी मगफिरत के लिए दुआ मांगती हूँ, दो रकात नमाज पढ़ के उनकी मगफिरत के लिए दुआ करती हूँ। हिना खान के फादर की कुछ कीमती लम्हात आपके साथ शेयर करते हैं, तो आइए चलिए वो वीडियो देख लें। वीडियो देखने से पहले आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो आइए चलिए वो वीडियो देख लें। क्या रह गया था मैडम? व्हाई डिड यू कम डाउन? आप बादाम भूल गई थी, इसके लिए मैं आया नीचे लेके। मैंने कहा मैडम बादाम भूल गई है। चलो। नो बट व्हाई यू आस्किंग मी नॉट टू मेक योर वीडियोस? बिना पब्लिक प्लेसेस में ना अब लोग हमें भी पहचानने लगे हैं और लोग फिर हमारे पास आते हैं और हमें नहीं पसंद है ये ना ऐसा अट्रैक्शन। बट अब क्या करें, यू आर अ पब्लिक फिगर, हम लोग नहीं है। अरे बट यू विल बी। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, हम चाहते हैं नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लोगों की तरह। हम नहीं चाहते लोग हमें पहचाने फिर हमसे पूछे आपके बारे में। बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड आई विल पोस्ट योर स्टोरीज। आई एम सॉरी, वीडियो नहीं डालो। आई एम सॉरी, आई विल। अगर डाल दें हम मास्क पहनेंगे। हिना खान का ये भी कहना है, मेरी फादर के जाने के बाद मेरी मोम भी बहुत उदास रहती हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सबर दे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।